हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सुरेश। तो अभी आप देख रहे हो सुरेश कार्स के। तो अभी आपको बताएंगे होंडा या 20 में शॉकर जो है कैसे संभल करना है, और शॉकर का माउंट जो होता है क्यों लगता है, उसका काम क्या है। तो ये देख सकते हैं आप, शॉकर माउंट है ये देखिए। तो कभी कभी क्या होता है, शॉकर ख़राब नहीं होता है, फिर भी जो है आपकी गाड़ी जो है आगे से नीचे दब जाती है, डाउन हो जाती है। ज़्यादा लोड लादने से भी हो जाता है, या ज़्यादा चल जाती है इसकी वजह से हो जाता है। शॉकर लीक नहीं होता है, सिर्फ गाड़ी दब जाती है आपकी। तो इसको लगाने से आपकी गाड़ी जो है उठ जाएगी काफ़ी हद तक, पहले जैसे उठ जाएगी, और हल्की फुल्की नॉइज़ आती है तो भी इस वजह से आ सकती है। तो इसको आप चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आपको बताएंगे असेंबल कैसे किया जाएगा उसको, और कैसे फिट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दिखा देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है शॉकर माउंट है। तो शॉकर लीक नहीं है पूरा, ये देख सकते हैं। तो इसमें जो है माउंट चेंज करेंगे, तो अभी आपको दिखाएंगे माउंट कैसे चेंज होता है। कूलर लगाओ इसमें, कूलर को आपको जब भी लगाना है सबसे पहले इसको ढीला कर लेंगे ऊपर ये अलग, इसको तो पहले इसको ढीला करते हैं। यहाँ से पकड़ लेंगे इसको, पकड़ो ये देख लीजिए, यहाँ से इसको पकड़ लेंगे पहले। शॉकर पकड़ो, स्प्रे मार लो थोड़ा सा, बट ये इतना बहुत है। बस सबसे पहले इसको ढीला करेंगे, ढीला कर लेते पहले, यहाँ से ऊपर पकड़ लेंगे, देखिए तो ढीला हो गया। तो बस करो, रुक जाओ। अब देखिए इसमें शॉकर पुलर लगाएंगे। सबसे पहले शॉकर पुलर लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है, वो लगा के दिखाते हैं आपको। जैसा कि आपने देखा, ये बोल्ट पहले ढीला कर लिया था पकड़ के यहाँ से। अब शॉकर पुलर देखिए, जब भी आपको लगाना है तो ये देखिए दोनों को आमने सामने लगाना है, और एक साथ टाइट नहीं करना है, एक बारी बारी से दोनों को एक साथ टाइट करना है। टाइट करो इसको आगे, तब इसको टाइट कर लेते हैं, फिर बताएंगे कितना टाइट कर लेना है। पहले टाइट कर लेते हैं इसको, अब बारी बारी टाइट करना है दोनों को, एक साथ नहीं टाइट करना है पहले, फिर इसको करना है, थोड़ा इसको करना है, फिर थोड़ा इसको करना है। देखिएगा हो रहा है, तो कर लेते हैं फिर और आपको दिखाते हैं। देख लीजिए शॉकर पुलर दोनों लगाए हैं, टाइट कर दिया इसको। तो अब जो है इसको खोल लेंगे, खोलो इसको, चलिए खोल लेते हैं इसको। अब खोल रहे हैं इसको, कूलर को आपको बढ़िया टाइट कर लेना है। चलिए खोल लेते हैं, फिर दिखा देते हैं निकाल के इसको बाहर क्या क्या लगेगा इसके अंदर। इसे के देख लीजिए, दोनों टाइट कर लिया, अब इसको दो खोल लेते हैं। बोल्ट खुल गया ऊपर का, तो यह पास आकर माउंट है, ये देखिए निकल गया। और ये देखिए, ये जो है इसकी बैरिंग है, शॉकर की बैरिंग देखिए, ये बैरिंग है इसकी, निकाल लेते हैं इसको। इसको भी निकाल लेंगे, निकालो इसको, इसको भी निकाल देंगे ऊपर उठा के। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो है नया वाला है, और ये जो है पुराना वाला है। देखिए ये पिचक गया, ये वाला जो है पिचका हुआ है, इसलिए देखिए ये ऊँचा है, ये पिचक गया चलते चलते। तो इससे जब ये जब चेंज होता है, तभी चेंज होता है जब गाड़ी आगे से नीचे बैठ जाती है थोड़ी सी, तो इसके लगाने से उठ जाती है। इसको लगाने से पहले देखिए, सबसे पहले ये जो है इसके अंदर देखिए बूफर भी लगा हुआ है, इसको बूफर कहते हैं जो अंदर दिख रहा है, ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए स्प्रिंग डाल दिया मैंने इसके ऊपर, तो अब इसको सिस्टम प्लेस में डाल देंगे, इसको जो डाल देंगे डालो उसके अंदर, बैठा लेते हैं इसके अंदर। देखिए ये बैठ गया है ऊपर, तो अब जो है इसकी जो है ये देख सकते हैं, ये बैरिंग है शॉकर की, ये देखिए। तो अब जो है बैरिंग को डालेंगे, देखिए डाल दिया इसके अंदर, इसको भी बैठा लेते हैं। इसके बाद जो है नया वाला ये माउंट लगेगा, ये लगा दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर बोल्ट लगेगा, बोल्ट ये देखिए लगा दे रहा हूँ। तो इसको टाइट करेंगे, पहले फाइनल टाइट करेंगे फिर बताते हैं आपको। चलो टाइट कर लो इसको, तो इसको फाइनल पहले टाइट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो एकदम फाइनल टाइट है, फाइनल टाइट कर दिया है। तो अब जो है फाइनल टाइट करने बाद इसको जो हल्का सा लूज़ कर लेना है आपको, एकदम फाइनल बहुत तेज टाइट नहीं करना है। तो बस ठीक, हटाओ रिंग से, पकड़ो इसको, शॉकर पकड़ लो। तो ये चीज़ चेक कर लेना, ये चीज़ मूव कर रही है कि नहीं, मूव नहीं कर रही है। हल्का सा लूज़ करो इसको, तो इसको लूज़ करेंगे हल्का सा,
इससे जो दिक्कत हो जाएगी आपकी स्टीयरिंग जो टर्न करते हैं अपने आप सीधी जो होती है फिर नहीं सीधी होगी अगर बहुत ज़्यादा बस 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 पकड़ लो उसको छोड़ो देखें पकड़ो उसको दोनों हाथ से बेसिकली मूव कर रहा है लेकिन आपको जो ये फाइनल जो अब कंप्लीट ये हो गया पूरा कंप्लीट अब जो है इसका पुलर खोल लेंगे पुलर खोलो बराबर क्या आपने देख रहा देख लिया है पुलर उलर सब खोल दिया हटा दिया है ये सब फाइनल हो गया है तो इसको जो है हल्का एकदम फाइनल टाइट नहीं करना हल्का लूज रखना है ठीक है जिससे कि ये मूव कर सके तो फाइनल अब कंप्लीट हो गया गाड़ी में लगने लायक हो गया है तो जो इसके ऊपर बोल्ट लगेगा इसके ऊपर उसको आपको एकदम फाइनल टाइट करना होगा इस वाले बोल्ट को जब गाड़ी में लगेगा तो ऊपर एकदम फाइनल टाइट होगा ये तो जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा।